स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद अवंतिका रसोई पे। और आप फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ चना मसाला, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर ऐसे ही डे टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ओवरनाइट भीगा हुआ काला वाला चना। यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही भिगो दिया था और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। मैंने इसे अच्छे से ही 2 से 3 पानी से वॉश भी कर लिया था गाइस। अब मैं इसे डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डालने के बाद में आपको डालना है चने से 2 इंच ऊपर पानी, यानी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसकी हम इसके कवर को लगा देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस पे इसे चढ़ा देंगे। 3 विसल आने तक पकाना है इसे हमें। तो गैस यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैंने और लिया है, जैसे कि बारीक कटा हुआ प्याज, बॉईल किया हुआ आलू क्रश कर दिया इसमें, और लहसुन की कलियाँ कुछ कट करके लिए हैं। साथ ही मैंने एक लेमन लिया है यानी कि नींबू, क्योंकि इस रेसिपी में नींबू के जूस की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही कटे हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ली है। यहाँ देख सकते हैं आप हमारे जो चने थे इसमें 3 विसल आ चुकी है, प्रेशर निकल चुका है प्रेशर कुकर से, चना अच्छे से पक चुके। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो बाउल में निकालने के बाद में मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चने हमारे पक चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें चुटकी भर डालेंगे हींग। हींग जैसे ही हमारी अच्छे से पक जाए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा पक चटकने के बाद में डालेंगे कटा हुआ लहसुन जो कि हमने पहले से कट करके रखा हुआ था। साथ में कद्दूकस की हुई अदरक, अदरक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हमें फ्राई करने लेना है। जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। हमें याद रखना होगा पहले ही हम हरी मिर्च डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून के करीब लेना है हमें चना मसाला, साथ ही थोड़ा सा लेंगे गरम मसाला, और इधर लिया मैंने 1/4 टीस्पून के करीब चाट मसाला। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। याद रखने वाली बात यह है गाइस कि इन मसालों को भूनने के लिए हमें पानी को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे टमाटर हैं ये अपना ही मॉइस्चर छोड़ते हैं। तो इसी के मॉइस्चर में ये मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हमें ऐड करने हैं ये उबले हुए काले चने। चने को डालने के बाद में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं चने में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा फ्लेवर इन चनों में आ जाए मसाले का। तो इस तरीके से हमें इसकी हल्की सी भुनाई करनी है बिल्कुल स्लो फ्लेम में। जैसे ही चना मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उबले हुए आलू जो हमने रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। गाइज यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड किया है पर वीडियो से कट चुका है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। चना मसाला हमारा रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं, लुक वाइज और टेस्ट वाइज बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए गाइस टी टाइम नाश्ता हमारा फटाफट से बन के रेडी हो चुका है। आप लंच, बच्चों के लंच में टी टाइम, या फिर आप इसे पराठा नान रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर करने में। तो गाइस अगर आपको थोड़ी भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी रेसिपी को आगे जाके शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर पसंद आती है तब भी और नहीं आती है तब भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच गाइस।